कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जी है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सच में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से। इसमें फ्यूचर किधर है पाकिस्तान का? पाकिस्तान की इकॉनमी को पौंख पे खड़ा करने की बात किधर से आएगी, मुझे ये बताएं। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए, है जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है, हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है। ये नजर आ रहा है कि मोदी एक बार फिर आ रहा है, थर्ड टर्म जो है वो मोदी लेने जा रहा है, और फिर इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ये फिर तो ये नजर आ रहा है कि थर्ड टर्म मोदी की है और उसमें वो कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत की डेवलपमेंट को लेकर किस प्रकार से काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और पूरी दुनिया के अंदर भारत की प्रेजेंस को लेकर किस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किया है, इसकी चर्चा आज भारत में ही नहीं परी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर की जा रही है। दुनिया भर के जो अखबार हैं वहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। तो आज इसी की चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में भी हो रही, वीडियो पूरी देखना, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सीएनएन की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है सीएनएन ने। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं, उससे वो फायदा ही उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। दूसरी तरफ जो उसका राइवल है इस वक्त इकोनॉमी में, और वैसे भी लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो उसका राइवल चाइना दुनिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं बना पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और मैं ये समझती हूँ, इस पर मैं तजिया ये करूंगी कि इसकी वजह ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की है, उनकी लीडरशिप जो है वो कमाल की है। फिर वो जनाब आगे लिखते हैं कि उन्होंने हर जगह लिखा है कि मोदीज इंडिया, ये वो बता रहे हो, कह रहे कि अब होता ही है, चलता ही है कि मोदीज इंडिया जहां पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है जो डेटा बताता है द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया, उन्होंने कहा है कि उसमें जब आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें ये बताती हैं, तो वो कहते हैं कि 2014 में, 2014 में नरेंद्र मोदी साहब पहली मरतबा जो वजीर आजम वो उसमें सियासत में उन्होंने देखा कि जनाब पहली मरतबा जो नाम हर तरफ नजर आया वो 2014 में था। उसके बाद वो कहते हैं कि 2014 में जो इकोनॉमी है इंडिया की वो कहां पर थी, उन्होंने एक पूरा एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में बताया, और उसके बाद वो इकोनॉमी कहां पर पहुंची और तमाम कंट्रीज का भी डेटा सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर 500 पर थी 2014 में इकोनॉमी जो है, तो वो 2023 में पहुंचती है 2500 पर, ठीक है जी। तो उसी के साथ जब वो 2500 पर पहुंची है, तो इस वक्त यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इस वक्त, जबकि उस वक्त जो है वो इंडिया बहुत पीछे था नंबर्स में। अच्छा, फिर वो कहते हैं जो ये साउथ एशियन जाइंट है इंडिया, इसकी जो इकोनॉमी है वो बड़े ही आसानी के साथ जो है वो एक्सपैंड हो रही है, और जो एनुअल रेट है वो हम देख रहे हैं कि 6% से ऊपर जा चुका है। बल्कि हमने देखा, ये तो तजिया पहले भी कर चुके हैं, कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट वो तो 8% तक गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर यह कहा गया है कि इंडिया को ये टारगेट अचीव करने के लिए, इंडिया को ये जगह हासिल करने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए 8% या इससे ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। तो आप जानते हैं कि 7.6% तो वैसे, और उसके बाद पिछले कुछ मेरा ख्याल है कि लास्ट मंथ ऐसा हुआ था कि जो
दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने ये खबरें दी थी कि इंडिया की ग्रोथ 8% से ऊपर चली गई है। और अब ये सीएनएन ये कह रहा है कि अगर 8 उसका तर्जिया ये है कि अगर 8% रहती है या इससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है इंडिया की ग्रोथ तो ये बड़ी आसानी के साथ ये जगह हासिल कर लेगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की। आज बीजेपी के मैं मैनिफेस्टो को कंपैरिजन इस तरह करना चाहूंगा, मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था, इसके भी तकरीबन 10 पॉइंट, उनके भी मैंने 15 पॉइंट पढ़े थे इस लार्जर पेज। अब कंपैरिजन क्या है, इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। नए पत्र जो था वो इंडिया का मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है इस ग्लोबल भारत, मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत, इंडिया वर्सेस ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है, चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब जब आप अपने सिटीजन को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो या उसका दर्द रखते हो या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल। उसके बाद चीमा साहब जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर, आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। You can say that you are a global south leader. उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी जी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जर्वर्स ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर ये इसी तरीके से एक्सपेंड करती है इकोनॉमी 8 point something और इसको सस्टेन भी कर पाता है इंडिया, तो फिर 2027 में ये तीसरे नंबर पर होगा। अच्छा, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ये बताते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं सीएनएन ने, बड़े ऐसे फैक्टर्स और डेटा पेश किया है कि कैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और 2027 तक वो कह रहे हैं। तो जाहिर है कि जब 2027 की बात होती है व्यूअर्स, तो जाहिर है कि ये जो बात की जा रही है, ये जो देखिए ना, इतने बड़े बड़े इदारे जो दुनिया के पेश करें ये रिपोर्ट्स, वो इसलिए पेश करें कि उनको ये लग रहा है, उनको ये नजर आ रहा है कि मोदी एक बार फिर आ रहा है, थर्ड टर्म जो है वो मोदी लेने जा रहा है। और फिर इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ये फिर तो ये नजर आ रहा है कि थर्ड टर्म मोदी की है और उसमें वो कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो सच होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये जो है ये डेटा पहले से ही पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पत्रकारों को सुना है, और यहाँ पर जो है ना बात की जा रही है, अभी हाल ही में CNN के अंदर जो है ना एक आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश हुआ है, और वहाँ पर पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक चार्ट बनाकर बताया गया है कि किस प्रकार से जब 2014 के अंदर भारत में मोदी सरकार आई, तब भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या थी, और इकोनॉमी के नंबर में भारत कहां पर आता था, वो सारा बताया गया। उसके बाद ये भी बताया गया कि किस प्रकार से मोदी सरकार के आने के बाद भारत में जो है ना पॉलिसी चेंज हुई, और बिजनेस फ्रेंडली जो पॉलिसी है उसको मोदी सरकार लेकर आई, और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस प्रकार से होने लगी, और आज भारत पांचवें स्पॉट पर आ गया है, और बताया जा रहा है कि 2027-28 तक जो है ना भारत
दुनिया की जो है ना तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है ना वो यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ हो रही है ना वो 8% से ज़्यादा है। और इस आर्टिकल के अंदर भी यही बताया गया है कि अगर भारत 8% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है ना वो कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पर जो है ना तीसरा स्पॉट जो है ना 2030 से पहले पहले भारत जो है ना उस पर उसको जो है ना हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और भी कितने बड़े बड़े काम किए गए वो हम सबको ही पता है, और आज पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इसकी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ को लेकर जो है ना भारत ने एक अपनी प्रेजेंस बनाई है और पूरी दुनिया को बताया है कि जो इंडियन ओशन है उसका जो राजा है ना वो भारत ही है, और यहाँ पर अगर कोई भी इशू होगा तो उसको भारत ही सॉल्व करेगा। और इसके कई सारे उदाहरण इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में दिए हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आज पूरी दुनिया के अंदर ये बातें की जा रही हैं कि किस प्रकार से भारत जो है ना आने वाले समय में अपनी पावर को जो है ना यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।